दिमाग में साहब, मंच पर बैठे हुए हमारे समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता जो महाराष्ट्र के हैं, मुंबई के हैं, जो इस मंच पर बैठे हैं, सुभाष पासी से लेकर के रईस भाई से लेकर के तमाम हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो इस मंच पर हैं और बड़ी संख्या में इस सभा में सभी उपस्थित हमारे वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी, माताओं बहनों, पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहाँ जितने लोग बैठे हैं जो मंच पे हैं और मंच के सामने दिखाई दे रहे हैं, मुझे पता है कि पिछले कई घंटों से और लगभग 1 बजे से यहाँ लोग इंतजार कर रहे हैं। मैं एक एक समाजवादी साथी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस रैली को सफल करने के लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूँ। हालांकि जिस शहर से मैं आ रहा हूँ, जहाँ मेरा सुबह कार्यक्रम था, जिस शहर से मैं चल करके आया हूँ, वो वाराणसी है, वो कोई ऐसा नहीं है कि न जानता हो उस शहर के बारे में। उस शहर को सब जानते हैं और जब हवाई जहाज से आए हमें लगा कि डिजिटल इंडिया हो गया है तो हर चीज समय पर होगी, लेकिन हवाई जहाज को हवा में इतना घुमाया कि 3.5 घंटे लगे तब आपके बीच में पहुंच पाए। और मैं जब अबू आसिम आजमी साहब को मैं सुन रहा था तो मैं सोच रहा था कि बात कहां से शुरू करूं, मैं बात कहां से शुरू हो। मैं एक बात कहता हूं, मैंने कई सभाओं में कहा इधर, और वही कारण है जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी या सरकार में है। हमारे गरीब, किसान, मुसलमान भाई, नौजवान बहुत सीधे साधे हैं, बहुत भोले भाले हैं। बीजेपी के लोगों ने कहा कि हमें सत्ता दे दो, सरकार में पहुंचा दो, हम आपको 15 लाख रुपए देंगे। यही कहा, पूरे देश के लोगों ने भरोसा कर लिया और एक एक वोट उनके पक्ष में डाल दिया। आज हम भी आपसे कहते हैं कि हमारी भी सरकार बना दो, हम 30-30 लाख आपके अकाउंट में डलवा देंगे। लोग पूछ सकते हैं कि बताओ 30 लाख कहां से लाओगे, और बीजेपी के लोग पूछेंगे कि 30 लाख कहां से लाओगे। हम आपसे कहते हैं कि जब आपने 15 लाख रुपए नहीं दिए तो हम 30 लाख क्यों दे देंगे, ये बता दो। और फिर ये ठीक है, अबू आसिम आदमी सामने की देश के सामने क्या परिस्थितियां हैं। आज की तारीख जिस दिन तय हुई थी, न मुझे पता था कि इतिहास में वो तारीख इसलिए दर्ज है, न शायद यहां बैठे लोग किसी को पता होगा, हमारे पत्रकार साथी भी शायद ही जानते हो, लेकिन इतिहास के पन्ने अगर उठाओगे तो आप जानकारी करोगे ये तारीख वो है जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने आरएसएस को इस देश में बैन करने का काम किया था। इसी दिन बैन हुए थे, यही 4 फरवरी है। और आरोप क्या थे कि भाईचारा को खतरा है, आप आगजनी करते हो, आप दुश्मनी फैलाते हो, आपने अपने संविधान को बदला, अपने आरएसएस के संविधान को बदला, तब जाकर के आपको
दोबारा मौका मिला है खोलने का। इस देश को खतरे में डालने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं अपने तमाम लोगों को, तमाम साथियों से, ये राजनीति में लड़ाई आपकी नहीं है। बहुत कुछ सोच समझ करके देखना, ये लड़ाई आपकी नहीं है। ये अगर आपकी लड़ाई होती तो दूसरे तरीके से ये लोग लड़ सकते थे। लेकिन इनके भाषण सुनो, लड़ाई किस बात की है? लड़ाई हम लोगों की है। और इस बात को मैं इसलिए कहता हूं कि हमारा संविधान ये कहता है कि हम समाजवादी हैं, हम सेकुलर होगा देश, तो हम समाजवादी लोग समाजवादी व्यवस्था और सेकुलर व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। इसलिए हमारे सामने ये बीजेपी के लोग कुछ भी फैला करके संकट पैदा करते हैं। और एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये लड़ाई गरीबी से लड़ी जा सकती है, बेरोजगारी से लड़ाई जा सकती है, और भी सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन कभी धर्म और धारणा से लड़ाई लड़ने के लिए रास्ता दूसरा अपनाना पड़ेगा। कोई नहीं जीत सकता धर्म और धारणा से। और अगर समाज को, देश को चलाना है तो मैं समझता हूं हमारा संविधान है जो हमें रास्ता दिखाता है। अगर कोई संविधान से, उस रास्ते से भटका है तो यही समाजवादी लोग उनको रास्ते पे लाने का काम करेंगे। इसलिए हम आपसे निवेदन करने आए हैं, अगर हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करते हैं कि 9 अगस्त और इसी मुंबई, इसी महाराष्ट्र से अगर उन्होंने नारा दिया था कि भारत छोड़ो, उसमें हर वर्ग के लोग साथ आ गए थे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सब लोगों ने मिलकर के इस देश को बना करके, लड़ाई लड़ करके, आजादी की लड़ाई लड़ करके इस देश को आजाद कराने का काम किया। लेकिन ये सत्ता में पहुंचने के लिए रास्ता क्या अपना रहे हैं? जो अंग्रेजों ने अपनाया रास्ता, जो रास्ता अंग्रेजों ने अपनाया वही रास्ता ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना रहे हैं। हालांकि उत्तर प्रदेश की राजनीति अलग है, वो देश के सबसे ज्यादा लोकसभा सांसद चुन करके भेजता है, कभी कभी सत्ता में लोग मौका पा जाते हैं। और क्या मुद्दे बनाए थे उत्तर प्रदेश में? उन्होंने तो वोट इस बात में मांगा था कि रमजान और शमशान, वोट खुशहाली और तरक्की पर नहीं मांगा था। अगर तरक्की और खुशहाली के लिए वोट मांगा होता तो शायद ये सत्ता में नहीं पहुंच पाते। हम तो कहते सरकार से हम बाहर हो गए हैं, जो काम समाजवादियों ने किए हैं अगर एक भी काम का उदाहरण आपके पास हो तो हमें बता दो। अगर कहीं भी एक ऐसी सड़क बनाई हो जहां पर लड़ाकू विमान उतर गए हों तो बता दो हमें। कम से कम हम समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई है कि देश को अगर जरूरत होगी कभी सीमा पर, अगर सीमा पर कभी भी हमारा युद्ध हो गया और युद्ध के समय पर अगर इमरजेंसी में जरूरत पड़ेगी तो वो कम से कम वो सड़क है जिस पर आपके लड़ाकू विमान उतर सकते हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि कहीं देश में एक सड़क बनी हो तो बता दो। और मैंने चुनाव में भी कहा था, आज भी कहता हूं कि अगर बीजेपी के लोग भी एक बार उस सड़क पर चल लेंगे तो वो भी वोट किसी और को नहीं, वो समाजवादी पार्टी को ही देने में मजबूर हो जाएंगे। काम के आधार पर वो जीत नहीं सकते थे लड़ाई, वो जानते थे, उन्होंने लैपटॉप नहीं बांटे हैं। हम तो कहते हैं कि आज भी बता दें महाराष्ट्र में कितने लैपटॉप बटे होंगे। हम लोगों ने कोई भेदभाव नहीं किया, हम लोगों ने 18 लाख लैपटॉप बांट दिए। हम तो पूछना चाहते हैं कि आपने कितने लैपटॉप बांटे हैं ये बता दो। समाजवादी पेंशन दे दी 500-500 रुपया महिलाओं को, 500-500 रुपया महीना देने का काम किया समाजवादी ने।
देश में अगर कोई प्रदेश सरकार उस तरह की मदद कर रही हो तो बता दो हमें। ये महाराष्ट्र जो आर्थिक रूप से सबसे ताकतवर है, मुंबई जो सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से संपन्न है, बताओ सबसे ज्यादा किसानों ने आत्महत्या कहां की है? अगर आत्महत्या कहीं भी सबसे ज्यादा हुई है तो इसी महाराष्ट्र में किसानों ने आत्महत्या करने का काम किया है। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि सरकार बनेगी तो हम अपने किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। यूपी तो भूल जाओ, कितने महाराष्ट्र के किसानों का कर्ज माफ हुआ वो किसान जानते होंगे, कोई कर्ज माफ नहीं हुआ। और जो बात प्रधानमंत्री जी से कही गई हो, जो देश की सरकार के लोगों ने कहा, उसके बाद कोई अमल नहीं, तो कोई भरोसा नहीं कर सकता। किसान बड़े पैमाने पर आत्महत्या कर रहा है, नौजवान के सामने संकट है, अब नौकरी मिलने वाली नहीं है, ये बेरोजगारी इतनी बड़ी पैमाने पर फैल गई है कि अगर कोई भी चाहेगा रास्ता निकालना तो जल्दी रास्ता नहीं निकाल सकता। यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि हम करोड़ों नौकरी हर साल देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि अब तो 5 साल पूरे होने वाले हैं, कितने नौजवानों को आपने नौकरी और रोजगार दे दिया? कोई नौकरी नहीं दी। लगातार देश को गुमराह कर रही है लोग। अभी जो देश का बजट आया, हम पूछना चाहते हैं गरीबों के लिए देश के बजट में क्या है? यही बीजेपी के लोगों ने कहा कि नोटबंदी हो जाएगी तो देश का भ्रष्टाचार और काला धन खत्म हो जाएगा। हम मुंबई में पूछना चाहते हैं, बताओ कितना काला धन खत्म हो गया, कितना भ्रष्टाचार के नाम पर जो पैसा बाहर से आना था आ गया? काला धन तो आया नहीं और भ्रष्टाचार भी खत्म नहीं हुआ। एक काम हुआ, केवल नोटों के रंग बदल गए। अगर नोटों के रंग बदलने के अलावा कोई दूसरा काम हुआ हो तो बता दो। इसलिए हमने पहले दिन भी कहा और आज भी कहता हूं मैं कि रुपया काला सफेद नहीं होता। अगर कोई चीज काली सफेद होती है तो हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। एक बार की नोटबंदी में तो भ्रष्टाचार थोड़ा बहुत खत्म हुआ होगा। हम तो कहेंगे बीजेपी के लोगों से, सत्ता आपकी है, एक बार और नोटबंदी हो जाए, शायद उससे पूरा भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। हम तो कहते हैं एक बार और नोटबंदी कर दो। और जिस जीएसटी के बहाने आपने कहा कि देश का व्यापार सुधर जाएगा, कैसे व्यापार सुधरेगा ये हम जानना चाहते हैं। जीएसटी के बाद न जाने कितने व्यापार बंद हो गए। जो हमारा काम करने वाले थे लोग, छोटा मोटा कारोबार कर लेते थे, वो भी समाप्त हो गए। जो परिणाम जीएसटी के आने चाहिए थे वो अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिस तरीके से कर्ज बढ़ा है, और कर्ज इतना बड़ा है कि अब बैंकें भी डूब रही हैं, अगला काम आएगा बैंकें डूब जाएंगी। जो लोग लाइन में लगे, किसी की कोई मदद नहीं की, बताओ जान चली गई। बीजेपी के लोगों ने कोई मदद नहीं की। इस समय नोटबंदी थी, लोग अपने पैसे को वापस लेने गए थे, कोई बीजेपी ने मदद नहीं की। अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी लोगों ने, उत्तर प्रदेश में जिसकी भी जान गई उसको 2 लाख रुपए से मदद करने का काम समाजवादियों ने किया। इसलिए काम में आपका मुकाबला नहीं कर सकते, काम में मुकाबला नहीं कर सकते। जो रास्ता समाजवादियों ने दिखाया उसी रास्ते से खुशहाली का रास्ता है। और अगर समाजवादी लोग उत्तर प्रदेश को आगे ले जा सकते हैं, अगर उत्तर प्रदेश में 22 करोड़ लोगों की सेवा कर करके उसमें उदाहरण पेश कर सकते हैं, तो समाजवादियों को जहां कहीं भी मौका मिलेगा उससे बेहतर काम कर करके समाजवादी लोग दिखा सकते हैं। और अब तो देश का चुनाव होने जा रहा है, कोई दूसरा चुनाव नहीं है, चुनाव 19 और 22 है। जो कुछ बदलाव आना है 19 में, और उत्तर प्रदेश का चुनाव जो 22 में है उसमें बदलाव आना है। मैं जानता हूं जनता नाराज है, लेकिन अपने हम तमाम समाजवादी साथियों से कहेंगे, इस लड़ाई को समझना, लड़ाई को अगर नहीं समझे तो नुकसान बहुत होगा। और इसलिए नुकसान बहुत होगा, गिनती कर रहे थे हमारे लोग,
कि देश में कहीं मुसलमान एमपी नहीं जीत पाया है कुछ स्टेटों में। आपको मोहरा बना के राजनीति कर रही है लोग। हम समाजवादी लोग कहते हैं, और मैंने आज भी कहा बनारस में, मैंने कहा ये बीजेपी के लोगों को बड़ा शौक है चीजों को आधार से जोड़ने का। इन्होंने हमारे आपके अकाउंट आधार से जोड़ दिए, इन्होंने हमारी रजिस्ट्रियां आधार से जोड़ दी, हमारा आपके राशन कार्ड आधार से जोड़ दिया। हम भविष्य में कोई काम करेंगे आधार से जुड़ जाएंगे। हमारा आपका मोबाइल भी आधार से जोड़ दिया। बताओ जोड़ा कि नहीं जोड़ा मोबाइल? इसलिए हम कहते हैं हमें भी आधार से जोड़ लो, कम से कम हमें आधार से जोड़ लोगे। जब कभी आपको गिनती करनी होगी बड़ी आसानी हो जाएगी। और हम तो बैकवर्ड हैं, पिछड़े हैं। हमने जब सड़क बनाई, जब देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई, मुझे कभी नहीं लगा कि मैं बैकवर्ड हूं। वो ऐसी सड़क है, अगर 120 किलोमीटर की रफ्तार से भी चलोगे आप, तो आपका अगर गिलास में चाय और पानी है तो हिल नहीं सकता है। ऐसी सड़क हमने बनाई और देश की सबसे बेहतरीन सड़क है वो। हम तो कहते हैं बीजेपी वालों, अगर एक प्रदेश में भी वैसी सड़क बनी हो तो बता दो, अगर एक भी सड़क बनी हो तो बता दो। अभी मैं बनारस देख के आ रहा हूं, एयरपोर्ट से लेकर के बनारस जो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, 20 किलोमीटर की सड़क 2 साल में नहीं बना पा रहे हैं, और समाजवादी लोगों ने 326 किलोमीटर की सड़क 23 महीने में बना करके खड़ी कर दी। लैपटॉप बांट दिया, और ऐसा लैपटॉप बांटा है कि जब कभी भी ऑन करोगे तो उसमें नेताजी और हम ही दिखाई देंगे, दूसरा कोई नजर नहीं आएगा। 4 जगह मेट्रो बना दी। अभी चुनाव में मैं अहमदाबाद गया था, मेट्रो नहीं शुरू हो पाई है। मेट्रो के पिलर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने 4 शहरों में मेट्रो बना करके तैयार कर दी। हमसे कोई पूछे कि किस जिले में कौन सा काम किया है, तो हमें तो आज भी याद है कि किस जिले में कौन सा काम समाजवादी सरकार में हुआ है। हम तो काम कर रहे थे, उत्तर प्रदेश को आगे ले जा रहे थे। हमने काम करते हुए कभी बैकवर्ड नहीं समझा अपने आप को। बैकवर्ड होते हुए भी हमने फॉरवर्ड से बेहतर फॉरवर्ड काम किया है। लेकिन इस देश में जात का और धर्म का जहर अगर किसी ने घोला है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने घोला है। देश में सबसे बड़ी जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है। जात के आधार पर राजनीति करने वाली पार्टी है, धर्म में जहर घोल करके राजनीति करने वाली पार्टी है। बहुत साफ सुथरे बनते हैं। मैंने देखा कि बर्फ जहां 16 डिग्री टेम्परेचर था माइनस, अखबारों में वहां तस्वीर आई कि बर्फ के सामने खड़े हैं, तस्वीर आई। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा नौजवानों को कि इन्होंने डिजिटल इंडिया का थोड़ा बहुत सहारा लिया और उसी बर्फ में बगल में एक पकौड़ी की दुकान भी लगा दी। इन्होंने देश को गुमराह किया है, गलत रास्ते पे ले जाने का काम किया है, लोगों के अंदर डर और अविश्वास पैदा किया है। ये अविश्वास और डर इस देश को खुशहाली के रास्ते पे नहीं ले जा सकता है। आप गणतंत्र दिवस मनाते हो, दुनिया के दूसरे लोगों को बुलाते हो और लोगों को सम्मान करते हो, देश के दूसरे लोगों को। आप जाकर के दुनिया के दूसरे हिस्से में कहते हो कि हम कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर देंगे। हम पूछना चाहते हैं कि कितने गरीब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे खत्म होगी। यही देश के प्रधानमंत्री जी जाते हैं, कहते हैं कि हम कार्बन डाइऑक्साइड खत्म कर देंगे। बताओ कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही जो खत्म कर दोगे आप? और अगर 5 साल में कोई कदम उठाया हो तो हमें बता दो। देश को गलत रास्ते पे ले जा रहे हैं।
इसलिए हम अपने तमाम समाजवादी साथियों को कहना चाहते हैं कि राजनीति को समझना, ये लड़ाई आपकी नहीं है। लड़ाई अगर आपकी है तो हम समाजवादी लोग आगे खड़े हैं उनका सामना करने के लिए। कैसी भी परिस्थिति आएगी हम लोग सामना करेंगे उन चीजों का। इसलिए मैंने कहा कि हम बैकवर्ड होते हुए भी फॉरवर्ड काम करते रहे, हमने कभी बैकवर्ड नहीं समझा। और जब आधार से जोड़ने की बात मैंने कही है, मैं इसलिए कहता हूं, महाराष्ट्र में भी बहुत गरीब होंगे जिनकी कोई गिनती नहीं होगी। हम सुनते हैं कभी कभी के लोग सड़कों पे आ गए हैं, वो आरक्षण मांग रहे हैं। बताओ महाराष्ट्र में लोग आरक्षण मांग रहे हैं, उस महाराष्ट्र में जहां सबसे ज्यादा पैसा है मुंबई में, वहां के लोग आरक्षण क्यों मांग रहे हैं? कोई तो कारण होगा जिसकी आरक्षण मांग रहे हैं। अगर यहां के लोग आरक्षण मांग रहे हैं तो गुजरात में भी आरक्षण मांग रहे हैं। बताओ पट्टीदारों ने आरक्षण मांगने की बात कही कि नहीं कही? वो भी आरक्षण मांग रहे हैं। इसी तरह और प्रदेशों में आरक्षण मांग रहे हैं लोग। इसीलिए हम कहते हैं कि आपके पास आधार है, हम सबको आधार से गिन लो और जिसका जितनी आबादी है उस आबादी के हिसाब से उसको हक दे दो, उसके हिसाब से उसको आरक्षण दे दो। इधर अखबारों में हम पढ़ते हैं, इधर अखबारों में हमने पढ़ा है कि गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है अमेरिका में, उससे भी ऊंची कोई स्टैच्यू बनाई जा रही है सरदार पटेल जी की। और जब सरदार पटेल जी के उनके सम्मान में प्रतिमा बनाने का काम शुरू हुआ था तो उत्तर प्रदेश के लोग जानते होंगे वहां पर बहुत लोहा इकट्ठा किया गया था। गांव जा जाकर के बीजेपी के लोगों ने जंग लगा, लोहा इकट्ठा कर लिया। अच्छी बात है कि सरदार पटेल जी की प्रतिमा बने, हम भी उनका सम्मान करते हैं और इसलिए सम्मान करते हैं क्योंकि उन्होंने देश को जोड़ने का काम किया। लेकिन जब ओरिजिनल डिजाइन थी तो उन्होंने डिजाइन ये बनाई थी कि लोग जाएंगे उस प्रतिमा में ऊपर तक और उनकी आंखों से बाहर देखेंगे, पूरे का पूरा नजारा, डैम का नजारा देखेंगे। लेकिन पता नहीं कौन सी डिजाइन गलत हो गई, वो अब लिफ्ट से आंखों तक नहीं जाएगा कोई। तो बीजेपी के लोगों ने कहा क्या रास्ता निकालें, तो उन्होंने सरदार पटेल जी के पेट की फाड़ दिया और कहा कि पेट से हम नजारा देखने के लिए आपको मौका दे रहे हैं। जो चीज आंखों तक जानी थी डिजाइन गलत हो गई, उन्होंने हमारे सरदार पटेल जी का पेट फाड़ दिया और वहां से लिफ्ट से नजारा दिखाने का काम कर रहे थे। सुना है महाराष्ट्र के लोग भी एक प्रतिमा बना रहे हैं, बहुत सुंदर प्रतिमा बना रहे हैं। सुना है बहुत बड़ी प्रतिमा बन रही है, हजारों करोड़ खर्च होने जा रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी की प्रतिमा बन रही है। हम तो महाराष्ट्र की सरकार से कहना चाहेंगे कि अगर प्रधानमंत्री जी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी से बड़ी स्टैच्यू बना रहे हैं तो महाराष्ट्र की भी सरकार को कम से कम चंगेज खां से बड़ी बनानी चाहिए अपनी मूर्ति, बड़ी प्रतिमा लगानी चाहिए। और इतनी बड़ी प्रतिमा लगे कम से कम तलवार तो दिखाई दे। हम ये कहना चाहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी का हम भी सम्मान करते हैं और आने वाले समय में सरकार बनेगी तो हमें चाहे 2000 एकड़ में कोई उनके नाम पर और सम्मान में पार्क बनाना पड़े तो उत्तर प्रदेश में हम उनके नाम पर पार्क बनाने का काम करेंगे। और मैं कहता हूं उनसे बेहतर पार्क बनाएंगे। इसलिए हमें अलग मत समझो, हम राजनीति न समझें क्योंकि हम बैकवर्ड हो सकते हैं। हम तो फॉरवर्ड काम कर रहे थे, हम बैकवर्ड बन गए। इसे राजनीति को समझना, और राजनीति को अगर समझ जाओगे आप लोग तो देश की गति पर भी आप ही लोग होंगे और कोई दूसरा नहीं हो सकता है। केवल समझने की बात है और 19वां चुनाव है, जहां जहां लोग समझ जाते हैं वहां के परिणाम दूसरी तरीके से आने लगते हैं। हाल ही में चुनाव हुआ, मान लो अभी अजमेर में चुनाव हो गया
गुजरात में तो बची गए, नहीं तो जाने क्या हो गया होता। हालांकि शक जितना आपको ईवीएम पे उतना शक हमें भी ईवीएम पे ही है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि हमारा इतना बड़ा पेट्रोल पंप, 10वां और 12वां पास किया हुआ उसकी चिप लगा करके पेट्रोल चोरी कर रहा है, जो बिजली के मीटर बनते हैं उसमें चोरी हो जाती है। मुंबई में न जाने कितनी घटनाएं होंगी जिसमें एटीएम और कार्ड से चोरी हो जाती है। सुनने में आया था कि आधार कार्ड से भी रजिस्ट्री हो गई, तो बताओ इतनी बड़ी बड़ी चीजों में ये हेरा फेरी हो सकती है, तो ईवीएम में तो बहुत छोटी चिप है, पता नहीं कौन सी हेरा फेरी हो जाए। इसलिए मैंने हर बार कहा और मैं आज भी कहता हूं, ये तो इलेक्शन कमीशन भी स्वीकार करता है कि मशीन खराब होती है और मशीन ठीक भी की जाती है, तो हम समाजवादी लोग केवल इतना जानना चाहते हैं कि अगर मशीन खराब होती है तो आप कौन सी चीज ठीक कर देते हो जिससे मशीन ठीक हो जाती है, और अगर खराब मशीन ठीक भी की जा सकती है तो ठीक मशीन खराब भी की जा सकती है। इसलिए कहीं ना कहीं हमको शक है उस बात पर। देखें कैसे शक होता है दूर, दुनिया के तमाम लोकतंत्र हैं जो बैलेट से वोट करा रहे हैं, और बैलेट से वोट इसलिए हम मांगते हैं, अगर हम किसी सरकार के खिलाफ में हमारी नाराजगी है तो हमारे सामने दिखाई देता है, हम सामने ठप्पा मारते हैं तो कम से कम हमारा गुस्सा निकल जाता है, लेकिन जब मशीन सामने आती है तो हम वोट नहीं डालते हैं, हम मशीन की जब बटन दबाते हैं तो मशीन तब वोट डालती है, हम मशीन की बटन दबाते हैं तब मशीन हमारा वोट डालती है, ये फर्क है। इसलिए हम चाहते हैं कि अगर देश की सरकार चाहे तो बैलेट से वोट करा ले, अगर बैलेट की मांग में अगर कोई आगे है तो हम समाजवादी लोग कहते हैं कि बैलेट से वोट कराओ, हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इसलिए साथियों, मुंबई के हमारे महाराष्ट्र के तमाम कार्यकर्ता नेता साथियों, हम आपका धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं, और इतनी देर भी जो आपने इंतजार किया उसके लिए भी धन्यवाद। यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो उत्तर प्रदेश के ही हैं, अपने प्रदेश के ही हैं, अपने ही हैं, और हमें तो ये लगता था कि सरकार चली गई है तो लोग कम आएंगे, लेकिन सरकार चली गई हो लेकिन इतने लोग आए, इन्होंने कम से कम हम समाजवादियों का मनोबल बढ़ाने का काम किया है, और ये मनोबल 2019 और 2022 में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेगा। ये बहुत संपन्न जगह है लेकिन किसानों के लिए भी कुछ नहीं हुआ है। अगर लोगों के पास रुपया है, रुपए वाले लोग रहते हैं, तो देश के सबसे ज्यादा कर्जदार वो लोग भी यहीं रहते हैं, या जहां अमीर रहते हैं तो गरीब भी हैं। अगर कोई देश में संतुलन बना सकता है किसानों, गरीबों, नौजवान, माता बहनों को, तो वो समाजवादी लोग हैं, और सब जात और धर्म का अगर कोई एक साथ लेकर के चलने का काम कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी। हमें उम्मीद है आने वाले समय में आप देश की राजनीति समझेंगे, और जिस दिशा में जा रही है राजनीति उस दिशा में रोक करके जो लोग समाजवादी व्यवस्था लागू करना चाहते हैं और सेकुलर रास्ते पे चलना चाहते हैं, उस दिशा में उन लोगों की आप मदद करेंगे, पूरी ईमानदारी से सहयोग कर करके उसको ताकत देने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम अबू आसिम आजमी साहब को, जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं पार्टी के लिए, दिन रात मेहनत कर करके इस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत बधाई, और तमाम हमारे कार्यकर्ता जो मौजूद हैं उनको भी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अभी प्रोग्राम बाकी है, आप लोग बैठे रहे, बैठ जाए प्लीज। आप सबसे निवेदन है मंच के लोगों से कि आप बैठे अभी 5 मिनट प्लीज। अखिलेश जी को आप सुन रहे थे, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बातें अखिलेश जी ने कही वो बात यही है कि हम अभी इलेक्शन हारे हैं लेकिन दिल नहीं हारे। पूरे मुंबई के लोगों ने आपका स्वागत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मौके पर 2 अवार्ड देने जा रहे हैं। सबसे पहला अवार्ड शहर मुंबई के बहुत मशहूर जाफर भाई मंसूरी, दिल्ली दरबार के मालिक, जिनकी अपनी एक शख्सियत है, वो एक मुंबई में शिल्पकार की हैसियत रखते हैं, हम सब जिन्हें बहुत मोहब्बत से नवाजते हैं। उनके दोनों बेटे मजहर मंसूरी और मोहसिन मंसूरी यहां हैं। मैं आसिफ भाई से गुजारिश करूंगा
क्या बात है।